वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर हमने आपको बताया था कि 20 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे और 20 ही तारीख को हम बनारस को जा रहे हैं आपके यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। ठीक है, तो 20 अभी निकल चुका है और बनारस हम गए भी थे आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर। वहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को हमें मिला, जिसके कारण आपको अपडेट भी ना दे सके। और वहाँ से आने के बाद तबीयत भी थोड़ा, स्वास्थ्य भी डाउन हो गया था, जिसके कारण हम आपको वीडियो के माध्यम से बता नहीं पाए कि चीज़ें क्या करना है आगे। तो फिलहाल अब आगे हम सभी को प्रयास करना होगा लखनऊ चल के ही यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। रिक्वेस्ट करना है चल के ब्रिजेश पाठक जी के पास और जनता दरबार में भी चल के लेटर दे के आएंगे। उसके बाद हम एनएचएम ऑफिस में एमडी मैम से, अगर पॉसिबल हो सकता है एमडी मैम से भी मिल के आने वाले हैं, क्योंकि गाइज इतने दिन हो गए, भर्ती आपकी कब की आई है। और गाइज एक अभी नोटिस भी सुबह से वायरल आप लोग खुद करा रहे हैं कि नोटिस में यह मेंशन हुआ है, मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। गाइज ये नोटिस वायरल हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एडिट किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल फेक नोटिस है। इस नोटिस में बताया जा रहा है कि आपके 17,000 प्लस रिक्वायरमेंट का जो ड्राइव था, एनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये सभी को क्लोज कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग अब आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाला है इस नोटिस के माध्यम से आपको यही जानकारी दिया जा रहा है। लेकिन ये नोटिस बिल्कुल फेक है, एडिट किया हुआ है नोटिस। ठीक है, ऐसी कोई जानकारी ना तो एनएचएम के वेबसाइट पे है, ना एनएचएम में हमने भी पता करने की कोशिश किया, वहाँ पे भी बताया जा रहा है सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी भर्ती को क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भ्रमित किया जा रहा है आपको, तो इस पर ध्यान ना दें। आपका मुहिम आगे है लखनऊ चलो अभियान का, जितना हो सके उतना आप लोग साथ में चलें। ठीक है गाइज, तो यही एक अपडेट था। आप लोग बोल रहे थे वीडियो के माध्यम से सर डेट डिसाइड कर दीजिए, तो 26 जून 2024 ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात करना है, लखनऊ चलो अभियान है। जितना हो सके उतना ये जानकारी आप शेयर कर दें, दूसरे तक पहुंचा दें जो इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। अगर हम प्रयास करते हैं तो हो सकता है हमारा जून के लास्ट तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को पहुँचना है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे सर मेरे पास 10 लोग हैं चलने को, मेरे पास 5 लोग चलने को तैयार हैं, तो आप सभी लोग चलें। और जिनको एड्रेस में समस्या हो रही है गूगल से आप देख लें कहाँ पड़ता है जनता दरबार, सब कुछ आपको, नहीं तो बड़ी आसानी सी बात है, आप लखनऊ चारबाग पहुँचते हैं, वहाँ से 20 रुपये लेते हैं, 15-20 रुपये आपको जनता दरबार में पहुँचा देंगे। जनता दरबार से ज़्यादा 1 किलोमीटर पड़ता है आपका ब्रिजेश पाठक जी का आवास, और ब्रिजेश पाठक जी के आवास पे सुबह 8 बजे से पहले पहुँचेंगे तभी मुलाकात हो पाएगी। तो मतलब सबसे पहले हमको कहाँ पे पहुँचना है, ब्रिजेश पाठक जी के आवास पे ही पहुँचना है सुबह 8 बजे से पहले। इनके पास आप पहुँचेंगे, एनएम लोग भी जा सकते हैं जो यूपी तरपलासी एनएम भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी जा सकते हैं अपने भर्ती के लिए, जल्द से जल्द भर्ती निकलवाने के लिए प्रयास कर भी सकते हैं। बाकी फार्मासिस्ट एलोपैथिक की भर्ती तो आ ही नहीं रही है, अब ऐसे भी आप लोग जा ही रहे हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर, तो उन्हीं भर्ती के रिगार्डिंग भी बात कर ही लीजिएगा, चाहे वो एनएम के कैंडिडेट हों या फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हों या स्टाफ नर्स फिर या लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट हों, आप लोग जाइएगा तो अपनी सारी समस्याएं पाठक जी को बता दीजिएगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं सभी को पता है, और आपका डिप्टी सीएम भी हैं, तो इनसे बताने से समस्याएं सॉल्व हो सकती है, ऐसा कई बार हो चुका है, अब भी होने वाला है। तो आप सभी लोग जरूर मुहिम में साथ दें, और हो सके 2-3 यूट्यूबर को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें, उनको भी बता दें कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएं और सभी को जागरूक करें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इन्होंने भर्ती जो 17,000 निकाली थी लगभग 8 से 9 हज़ार पे ही ज्वाइनिंग हुआ है, सभी पोस्ट को मिलाकर लगभग 8 से 9 हज़ार ही ज्वाइनिंग हुआ है, आधे से ज़्यादा वैकेंसियाँ तो अभी खाली ही हैं।
क्योंकि प्रोग्राम वाइज भर्तियां निकल के आई थी, किसी का 3 में सिलेक्शन, किसी का 4 में सिलेक्शन हुआ था, सबने एक ही प्रोग्राम ज्वाइन किया है, जिसके कारण बहुत सी भर्तियां अभी पेंडिंग में पड़ी हैं, ज्वाइनिंग देना बाकी है इनको, वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ही वो हो पाएगा। तो आप सभी लोग देखिए गाइज, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ, कुछ से देखिए कुछ आप ही अपने पास कुछ नहीं है, एक टैग हमको चाहिए गवर्नमेंट जॉब का। पैसा मायने नहीं रखता है, टैग मायने रखता है, अगर आपके पास टैग हो जाएगा तो बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप पहुँचेंगे। गाइस स्वास्थ्य हमारा ठीक ना होने के कारण लगातार आपके साथ हम लगे हुए हैं, क्योंकि वादा किए हैं जब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो जाती तब तक, मैंने तो फैसला लास्ट वाली वीडियो में ही कर लिया था कि वीडियो ही नहीं बनाना है, अपडेट ही नहीं देना है, लेकिन आपके जो कमेंट लगातार आ रहे थे, जो मैसेज आ रहे थे, जो कॉल आ रहे थे, इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करने कर रहे थे, जिसके कारण हमको अपना स्वास्थ्य ना देखकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। और हम भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चलेंगे, हम बोलते हैं ठीक है और चलते भी हैं, इस बार भी चलेंगे जहाँ तक मेरा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहा। तो फीवर हो रहा है, तबीयत ख़राब है, क्योंकि दिल्ली में 3 दिन उसके रिगार्डिंग गए थे, आपके नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसका भी मैटर सॉल्व ही हो गया है लगभग, उन्होंने जो NTA था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी गलती है, तो उन्होंने भी फैसला लिया है। तो आपके जितने भी लड़के हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए हम कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, जिसके कारण थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ी देखने को मिल गया है। अभी बनारस में ही गए थे 2 दिन बारिश में, वहाँ पर भी भीगना पड़ा था, जिसके कारण फीवर और जुकाम का शिकार हो गए हैं। बाकी आप चिंता ना करें, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे और जितना हो सके उतना इस जानकारी को पहुंचाएं। लेटर का फॉर्मेट पुराने की वीडियो पड़े हैं, देख लीजिए, मैंने लेटर कैसे लिखना है आपको समझा दिया था, बहुत बार गए हैं, बहुत बार लेटर भी दिए हैं, पुराने की वीडियो में आप देख लीजिए जो लखनऊ चलो अभियान का है। बाकी मैं आप लोग बोलेंगे तो ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा फिर से लेटर बना के। लेटर में लिखना कुछ नहीं है, बस रिगार्डिंग सब्जेक्ट में यही लिखना है, UPNHM 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर, ठीक है। बाकी आप ये मेंशन कर दें नोटिफिकेशन का डेट कब आया था, उसको मेंशन करें, उसका रिजल्ट एग्ज़ाम कब हुआ था, उसका रिजल्ट कब आई थी, उसकी ज्वाइनिंग कब हुई है, ठीक है। ये सब कुछ लिखने के बाद फाइनली उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर जल्द से जल्द हमारे सभी विद्यार्थियों की समस्या को समाधान करें और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाएं। लेटर में यही लिखना है, 3 लेटर बनाना है, एक लेटर आपको ब्रिजेश पाठक जी के लिए, एक लेटर आपको NHM कार्यालय MD मैम के लिए, एक लेटर आपको जनता दरबार में, 3 लेटर आपको बना के चलना है और ले के चलना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। देखिए लिखित आप पेंसिल लिख भी सकते हैं, PDF भी आप मोबाइल से या लैपटॉप से बना के PDF बना के उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ों को कितना, देखिए ये सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है, आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं या कितना हल्के में ले लेते हैं कि चलिए कोई बात ही नहीं है, जो लोग पहुंचेंगे पहुंचेंगे, हमें क्या, हम तो कर ही रहे हैं जॉब या हमें आगे की तैयारी करनी है। जैसे कि अभी आप लोगों का ग्रुप में भी कमेंट आ रहा था कि इसका चक्का छोड़ के रेलवे का तैयारी कराइए, तो भैया रेलवे इतनी जल्दी नहीं क्लियर होती है, रेलवे 5 साल लगा देती है ज्वाइनिंग को लेकर होते होते, हालांकि वो दिन ना आए, जल्द से जल्द हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन 4 साल 5 साल लग ही जाता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के ज्वाइनिंग देने में, तब तक आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे क्या। तो आपको प्रयास करते रहना है, कहीं ना कहीं जॉब करते रहना है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पैसे मैटर नहीं रखता, एक्सपीरियंस मैटर रखता है, हर एक चीज़ आपको नॉलेज होता है, जब आप कुछ अलग काम करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता ही मिलता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं, वैसे आपको हम मोटिवेट, आप खुद इतने मेच्योर हो गए हैं, आप बच्चे तो हैं नहीं कि जो हम आपको मोटिवेट कर पाएँ। और गाइस देखिए एक सबसे ज़रूरी बात ये है, लखनऊ चलने के बाद अगर जनता दरबार में जाते हैं या ब्रिजेश पाठक जी के पास जाते हैं या NHM कार्यालय में जाते हैं तो कोई किसी को लीडर नहीं बताएगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी नहीं बताएगा किसके माध्यम से हम लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। लास्ट टाइम जैसे बहुत से लोग बता दिए कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं बताना है आपको, अन्यथा हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि समस्याएं मुझे होती है, डांट मुझे खाना पड़ता है, चीज़ें मुझे सुनना पड़ता है, आप लोगों का आप लोग बता के अलग हो जाएंगे,
गाइस देखिए सब कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि पहली बात तो मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, दूसरी बात मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं किस लिए आया हूँ ये सवाल मुझे उनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कोई लीडर नहीं किसी को बताएगा, और मैं आऊँगा तो सामने भी, आप लोगों तक भी सामने नहीं आऊँगा, बस हिडन के रूप में रहूँगा, साथ में रहूँगा, बताते रहूँगा कि चीज़ें यह क्या क्या करना है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे, और आप ज़रूर 26 तारीख को चलेंगे, जिनका दूर दूर से आ रहे हो एक दिन पहले रात को निकल लेंगे, ठीक है, और 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे लखनऊ में सभी लोग। जो दूर से आ रहे हैं एक दिन पहले निकलेंगे, ठीक है, 1-2 घंटे स्टेशन पे एक ही रात गुजारना गुजार लीजिएगा, हम भी गुजारे हैं स्टेशन पे ही गुजारे हैं चल के, ठीक है, आप लोगों के साथ में हम भी स्टेशन पे गुजारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गुजारे हैं, जबकि मेरा कोई से लेना देना नहीं था, फिर भी आप लोगों के साथ चल के स्टेशन में गुजारे हैं आपके ही लिए। तो आप लोग भी दूर से आ रहे हैं तो रात गुजार लीजिएगा कहीं पे, सुबह की बात ही है, 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में तीनों जगह काम हो जाएगा, वहाँ से आने के बाद फिर आप अपने स्टडी पे फोकस करिएगा। वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर से प्रयास किया जाएगा ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, फिर चीज़ें जो रहेगा वो करता किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार वीडियो को आप उन सभी बच्चे तक पहुंचा दें जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, और हाँ जो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि बनारस से कुछ आप मान सकते हैं 50%, वही एक चीज़ एक लाइन दोहराई गई है मुझे कि जल्द से जल्द हम प्रयास कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को समस्याएँ को सुधारने के लिए, और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। उन्होंने फिक्स डेट नहीं बताया कि चलिए इस डेट को हम करके बताएंगे, हाँ उन्होंने बस आश्वासन जो देते हैं वैसे ही दिए हैं। बाकी 26 तारीख का इसलिए बोले हैं, 4-5 दिन का समय है, आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा, जो छुट्टी जो कहीं जॉब करते हैं उनको छुट्टी मिल जाएगा, या जिन तक जानकारी नहीं पहुँच रही उन तक जानकारी पहुँच जाएगा, या जो उन्होंने बताया है शायद उन्हीं के बीच में 25-26 तक आ भी जाए, इसलिए हमने 26 तारीख का डेट डिसाइड किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।